ये जितनी भी मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू दिख रही है ये सब टैक्सी है। और ये है एक शानदार कार, इसके बगल में एक और शानदार, उसके बगल में एक और शानदार। ऐसी गाड़ियों में तो कुत्ते घुमा रहे भाई साहब, कुत्ते। दोस्तों जैसे ही मोनाको पहुंचे, आप मानोगे नहीं, इतना कंफ्यूजन हो गया था। कोई यहाँ पे लाखों में कुछ भी नहीं है, सिर्फ करोड़ों के हिसाब से है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, बंसी विष्णु एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल हम लोग फ्रांस के नीस शहर में हैं और ये समुद्र के किनारे एक बहुत प्यारा शहर है ऑलरेडी, लेकिन हम इससे आधे घंटे की दूरी पे एक दूसरा देश है छोटा सा, जिसको बोलते हैं मोनाको या मोंटे कार्लो। बहुत पैसे वाला है और यहाँ के लोग मस्ती करते रहते हैं। तो वहाँ पे आते हैं दुनिया के मोस्ट पैसे वाले लोग, जो यहाँ पे महंगी तरीन कारें, महंगी तरीन यॉट और मिलियन बिलियन रुपए लेके आते हैं और वहाँ पे सट्टेबाजी, गैम्बलिंग, मौज मस्ती, पैसे उड़ाते, ये सब काम करते हैं। तो हम चलते हैं उस महंगी तरीन कंट्री में और वहाँ के दिखाते हैं कुछ जबरदस्त नज़ारे। फिलहाल हम फ्रांस के नीस रेलवे स्टेशन पे पहुँच चुके हैं। यहाँ से हम एक ट्रेन पकड़ के 7 यूरो की वहाँ पे जाएंगे। तो वीडियो पे आप बने रहना, वीडियो को लाइक करना। आज ही के दिन हमारे फेसबुक पे 1 मिलियन फॉलोअर पूरे हो चुके हैं। जब तक ये वीडियो डालूंगा बहुत दिन हो चुके होंगे, लेकिन मैंने आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक पे पहले ही थैंक यू, धन्यवाद अदा कर दिया है। मेरे को जिस तरह से आपने इतना ऊपर तक इतने सारे फॉलोअर दिए, इतना सपोर्ट किया, जब मैं गाँव में घूमता था, जब मैं अहमदाबाद में घूमता था, जब मैं इंडिया में घूमता था, वहाँ से आज यहाँ तक पहुँचा, तो ये सब आपका ही सपोर्ट और प्यार है। तो आई होप कि आप भी इसी तरह से आगे बढ़ें, अपना ड्रीम हासिल करें और अपनों का ख्याल रखें, खुद का ख्याल रखें। ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। अब हम इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। ये शहर बहुत खूबसूरत है। गो यहाँ से टिकट लेते हैं एंड फिर चलते हैं आगे मोंटे कार्लो। बारिश इस यात्रा में 4 चांद लगा रही है। स्टेशन पे यहाँ पे कोई आदमी नहीं है, कोई टिकट वाला नहीं है, देने वाला, खुद से ही टिकट लेनी पड़ेगी। एंड यहाँ पे कोई पूछने के लिए कोई आदमी भी नहीं है, कोई मदद भी नहीं करता है। तो खुद ही खड़े रहो लाइन में और सेट कर लो कुछ ना कुछ। कार्ड और कैश दोनों रखिएगा। भाई साहब टिकट निकालने में पसीने आ गए। 15-20 मिनट 3-4 लोगों ने मिल के काम किया तभी जाके टिकट निकले। एंड अभी हम यहाँ से बोर्ड करते हैं इस भीड़ में एंड देखते हैं। मशीन काम कर गई भाई और अंदर आ चुके हैं। अफरा तफरी मची है भाई साहब यहाँ पे, ना तो कुछ समझ में आ रहा है ना कुछ पता ही चल रहा है। ये रहा एक पुराना सा रेलवे स्टेशन, यहाँ कोई ट्रेन नहीं है। और इसके पिलर देखो भाई, ये सामने एक ट्रेन खड़ी है और दूसरी ट्रेन शायद इधर आएगी, देखते हैं। और ये तो मालगाड़ी है भाई, स्टेशन के बीच में से होके जाती हुई मालगाड़ी। यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है डब्बों के रूप में, मतलब आप जिस जगह पे खड़े हो ये डब्लू है और 3, 3, 6, 7, 8 डब्बे होंगे, मुझे लगता है कोच होंगे। पता नहीं यार, कुछ समझ के बाहर ही लगता है, यहाँ तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। नए लोगों के लिए तो मुश्किल काम है। देख लो भाई यहाँ के प्लेटफॉर्म कैसे होते हैं, सेम अपने जैसे ही है, कोई फ़र्क नहीं है। और जहाँ तक ट्रेनों की बात की जाए, ट्रेन बिल्कुल ऐसा नहीं है कि टाइम से टाइम 1 मिनट 2 मिनट चलती, बिल्कुल नहीं है। मैंने जितना भी अनुभव किया हर ट्रेन 10-15 मिनट 10 मिनट लेट सेट ही चलती है। अभी जिस ट्रेन में मुझे जाना है वो ट्रेन ऑलमोस्ट 20 मिनट से भी ज़्यादा लेट हो गई है और इसके पहले वाली ट्रेन जो गई है वो भी ऑलरेडी लेट थी। तो सब लेट ही है, ऐसा तो नहीं है, बट ठीक है यार, थोड़ा ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम भी कहीं मुकाबले में ही हैं। तो फाइनली दोस्तों ट्रेन आ चुकी है। ये एक डबल डेकर ट्रेन है जो हमें फ्रांस के नीस शहर से मोंटे कार्लो ले जाएगी। तो भाई लोगों, हम पहुंच गए हैं दुनिया के सबसे ज़्यादा करोड़पतियों वाले देश में। सिर्फ 1 वर्ग मील में फैला हुआ एक देश जिसको बोलते हैं मोनाको मोंटे कार्लो। यहाँ पे रहते हैं 12,000 से भी ज़्यादा करोड़पति, सिर्फ 1 वर्ग मील में। तो वेलकम टू मोनाको। तो भाई मोंटे कार्लो जैसे ही आते हैं, आपको स्टेशन से बाहर आते ही लिफ्ट के सहारे बाहर जाना पड़ेगा। दोस्तों जैसे ही मोनाको पहुँचे, आप मानोगे नहीं, इतना कन्फ्यूजन हो गया था कि लिफ्ट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, सब लोग लिफ्ट से जा रहे थे, तो मैं सीढ़ियों से आया। मैं और कुछ लोग और थे, तो ये यहाँ से बाहर निकला। मतलब सीढ़ियों पे क्या है ना, 14 फ्लोर नीचे रेलवे स्टेशन है। हम लोग वो माइनस देखते नहीं है और फिर नंबर दबाते, साला नीचे ले जाता, फिर ऊपर से नीचे ले जाता। समझ ही नहीं आ रहा मैंने हुआ क्या। फिर जब जीरो दबाया तो भाई साहब ऊपर लेके आया। तो दोस्तों फाइनली आपका भाई पहुंच गया है दुनिया की दूसरी सबसे धनी कंट्री, जिसको बोलते हैं मोनाको। 1 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर से कम में फैली हुई ये कंट्री दुनिया की दूसरी सबसे धनी कंट्री है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी मोटी मोटी महंगी तरीन कारें, और दुनिया के सबसे ज़्यादा करोड़पति इसी देश में रहते हैं। 1 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ ये कंट्री, जिसमें 12,000 से भी ज़्यादा करोड़पति लोग रहते हैं भाई साहब, 12,000 से भी ज़्यादा। एंड दुनिया के जो 3 मिलियनर है वो भी यहीं रहते हैं। देखो मोटी मोटी गाड़ियाँ जाती दिखेगी और कोई गाड़ी नहीं दिखेगी। पोर्शे, ओडी, वॉल्वो, मर्सिडीज। तो आज हम इस महंगी तरीन कंट्री को एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएंगे। अगर आप एक नाइट यहाँ पे रुकते हैं तो कम से कम 12 से 15,000 रुपये हॉस्टल में रुकने का देना पड़ेगा भाई साहब। तो मैंने यहाँ पे रुकने का फैसला नहीं किया, मोंटे कार्लो कसिनो। और दूसरा एक और बात, यहाँ पे इतनी ज़्यादा पुलिस है, मतलब 73 लोगों पे एक पुलिस है। अब यहाँ से सब लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो हमने भी बोला क्यों ना इस बिल्डिंग को दिखा दिया जाए, यहाँ पे कुछ खास है क्या। हिसाब लगा लो इन गाड़ियों को देख के, किस तरह की गाड़ियाँ यहाँ पे आके रुकती है ट्रैफिक सिग्नल पे। एक से एक, पोर्शे, टेस्ला, और ये यहाँ की बस है। आती जाती गाड़ियों पे नजर रखिए जरा। अब आप बताओगे कि मोनाको इतना अमीर कैसे हो गया। तो दोस्तों मोनाको की अर्थव्यवस्था टूरिज्म पर निर्भर है। इनकम टैक्स न होने और कंपनियों पर भी टैक्स दूसरे देशों के मुकाबले कम होने की वजह से मोनाको को अमीर लोगों, फाइनेंशियल और इंश्योरेंस कंपनियों का पसंदीदा ठिकाना माना जाता है। मोनाको के रियल एस्टेट बाजार को दुनिया के सबसे महंगे बाजारों में शुमार किया जाता है। मोनाको टूरिज्म का भी सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग दुनिया भर से आते हैं। और यहाँ पे गैम्बलिंग की भी छूट दी गई है, जिसमें लोग यहाँ पे छट्टेबाजी, दूसरे अलग अलग प्रकार के गैम्बलिंग करते हैं। तो सिर्फ मोनाको के जो स्थानीय लोग हैं वो नहीं जा सकते, बाकी दूसरे दुनिया के लोग चाहे जो भी करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 12,000 से भी ज़्यादा जो लोग हैं वो बिलियनर लोग यहाँ पे रहते हैं दुनिया भर के। जैसे जैसे हम कसिनो की तरफ आगे बढ़ रहे थे, नज़ारे और खूबसूरत होते जा रहे थे। बहुत ही शानदार डिज़ाइन किए हुए गार्डन यहाँ पे दिखाई दे रहे थे, एंड साथ में बहुत सारे लोग जो दुनिया भर से यहाँ पे इस जगह को देखने के लिए आए। तो बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा देखने को मिल रहा था। और भाई इसके बाहर जो लोगों की भीड़ लगी है ना, वो कमाल है, देखने लायक है। और दोस्तों इस देश में आने के लिए कोई आपको स्पेशल वीज़ा नहीं चाहिए। अगर आपके पास यूरोप का शेंगन वीज़ा है तो आप आराम से इस देश में आ सकते हैं बिना कोई दिक्कत के। ये रहा सामने वो शानदार कसिनो। तो ये है मोंटे कार्लो कसिनो, और यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा आपको दिख रहे हैं इस कसिनो के ठीक सामने, जो सारे फोटोग्राफी कर रहे हैं। और ये सब लोग फ्रांस से आए हैं, जैसा कि मैं भी आया हूँ। 20-25 किलोमीटर दूर फ्रांस से एक शहर नीस से हम यहाँ लोग पहुँचे हैं, क्योंकि यहाँ रहना बहुत महंगा है। तो इस शानदार नज़ारे का लुत्फ़ उठाते हुए आगे चलते हैं। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं बिल्कुल कसिनो के ठीक सामने, और यहाँ पे गाड़ियाँ देखो, सिर्फ गाड़ियाँ देखो भाई, जितनी भी गाड़ियाँ आपको आती जाती दिखाई देगी वो करोड़ों के हिसाब से ही है, कोई यहाँ पे लाखों में कुछ भी नहीं है, सिर्फ करोड़ों के हिसाब से ही है। तो देखते हैं, यहाँ पे एक पुलिसमैन खड़ा, पुलिस भी यहाँ पे देख लेते हैं। ऑडी, मर्सिडीज, 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 ली कूपर, मिनी कूपर। वहाँ पे देखो जो अमिताभ बच्चन के पास गाड़ी है वैसी कुछ गाड़ी यहाँ पे है, और भी आगे चल के दिखाते हैं आपको। ऐसी गाड़ियों में तो कुत्ते घुमा रहे भाई साहब, कुत्ते, माय गॉड। और सामने एक सिक्योरिटी है जो आने जाने वाली कार और लोगों को गाइड कर रहा है। अब एक झलक देखते हैं इन कारों की। कारें देखते ही बनते ही यहाँ पे महंगी से महंगी कारें इस कसिनो के ठीक सामने पार्क किए हुए दिखेगी, जिसमें रोल्स रॉयस है। आप देखो छोटी मोटी तो कारों चलती हुई दिखाई देंगी यहाँ पे। उसके बाद मर्सिडीज है, फिर आगे फरारी, GT4, मुझे नाम भी नहीं आ रहा है, इस तरह की कुछ कार। और सामने एक आपको गोल्ड कलर की एक बढ़िया पोर्शे कार दिख रही होगी, शायद पोर्शे होगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त आलीशान लग्जरी कार यहाँ पे देखने को मिलती है। और देखिए लोग भी बहुत खूबसूरत है, सामने शानदार पहाड़ है, तो इस पहाड़ का नज़ारा भी यहाँ पे देखने को मिलता है। वाह क्या कार है भाई, देखो देखो देखो, ऐसी ऐसी कारों पे तो लोग आगे वाली सीट पे कुत्ते बिठा के घुमा रहे हैं भाई, क्या ही बोलूं आपको। ये टैक्सी है, देखो टेस्ला की टैक्सी, सिटी टैक्सी कार। और अब पहुँच गए फाइनली यहाँ पे। और इधर बस सिर्फ फोटो फोटो फोटो, कोई ना मिले तो खुद से ही ठीक है। और इस छोटे से देश का मुख्य कारण यही है जिसकी वजह से लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। अब ये कार क्या गोल्ड प्लेटेड है पता नहीं, दिखती तो कुछ ऐसी है। ये जितनी भी मर्सिडीज और BMW दिख रही है सब टैक्सी है। और ये है एक शानदार कार, इसके बगल में एक और शानदार, उसके बगल में एक और शानदार, और ये है शानदार मोंटे कार्लो कैसीनो। अभी हम इसके अंदर जा कर के भी दिखाएंगे आपको। जितनी महंगी गाड़ियां हैं उतने ही महंगे ड्राइवर है भाई साहब। यहाँ पे ड्राइव करने वाली भी लड़कियां हैं, महिलाएं बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, वो भी। उनकी लाइट देखो भाई एक झलक। अब महंगी तरीन गाड़ियों वाला खेल चलता रहेगा, अंदर जाने का भी कुछ दिखाई दे रहा मामला, तो देखते हैं। फ्री में जाने दे रहे क्या है, अंदर चल के दिखाते हैं। ये मोंटे कार्लो कैसीनो की एंट्रेंस बिल्डिंग में जैसे ही एंटर होते हैं आपको इसकी जो विलासिता है, इसके अंदर का जो आर्किटेक्चर और डिजाइन है वो देखते ही आपको समझ में आता है कि यहाँ पे इस छोटे से देश में कितना पैसा होगा और इस कैसीनो की कितनी कमाई होती होगी। बहुत ही जबरदस्त अंदर का नजारा आपको दिखता है और ऐसा लग रहा है जैसे कोई सोने से चमकती बिल्डिंग है। इसके पत्थर जो है वो भी कहीं अलग किस्म के पत्थर आपको दिखाई देते हैं। चलिए फिर इस बिल्डिंग को थोड़ा देख लेते हैं एंड फिर चलते हैं आगे। और इस भव्य जगह पे टोपी पहनना अलाउड नहीं है। आप अपनी टोपी हाथों में लेके घूम सकते हैं या फिर अपने बैग में रख सकते हैं और अंदर आप बिना किसी रुकावट के आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप कैसीनो में जा सकते हैं और एक झटके में करोड़पति भी बन सकते हैं और एक झटके में आप रोडपति भी बन सकते हैं। ये होता है कैसीनो का खेल। तो वो यहाँ पे है, मशीनें वगैरह, अंदर जा सकते हैं और देख सकते हैं, खेल सकते हैं, पैसे लगा सकते हैं। जब कैसीनो के गेट से बाहर देखते हैं कुछ ऐसा व्यू दिखता है, ऐसा मंजर दिखता है। वैसे इस छोटे से देश में महंगी तरीन लग्जरी गाड़ियां ही देखने को मिलती हैं, लेकिन इस कैसीनो के बाहर पड़ी ये ब्लू कलर की पोर्शे कार सब लोगों को ज्यादा आकर्षित कर रही थी, खासतौर से लड़कियां। मात्र जमीन से 1-2 इंच की हाइट वाली ये कार अपने कलर से ही लोगों को खींचे जा रही थी और एक दिन में मुझे लगता है कि हजारों लोग इसके सामने खड़े होकर के फोटो खिंचवा रहे होंगे। ये कार वाला मालिक मुझे लगता है बिलियनर ही होगा कोई, जो यहाँ पे अपने पैसों का दाम लगाने आया होगा। फोटो का सिलसिला जारी रहता है जब तक दिल ना भर जाए और दिल भरता भी नहीं है। ये रोल्स रॉयस, ये मिनी कूपर, ये GT3 और उसके अंदर 4 चांद लगाती ये रेंज रोवर धूल मिट्टी में भरी पड़ी हुई, और इसको यहाँ पे लाके खड़ा किया इस मोंटे कार्लो के ठीक सामने। तो इसकी भी कुछ खासियत रही होगी। ये कुछ ज़्यादा ही पैसे वाला भाई होगा, इसलिए मजाक उड़ाने के लिए लाया होगा शायद, तो ऐसा ही लगता है। ये देखो, कोई भाई मिलियनर या बिलियनर जो भी है वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं अपनी लंबोर्गिनी के साथ में। इस मोंटे कार्लो का जो मेन बिल्डिंग है उसके ठीक सामने की तरफ अपनी येलो कलर की ये लुभावनी लंबोर्गिनी। अब देखो ये यहाँ पे क्या करते हैं, पूरा सेंटर और सेंटर में पार्क किया और अंदर से उतरने वाला भाई शायद ड्राइवर भी हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ बस फरारी, पोर्शे, रोल्स रॉयस। ये भाई साहब कैसे बैठे अंदर देखना। ओ माय गॉड, रूप खोलते हुए बहुत ज़्यादा प्यास भी लग रही है, तो अभी मुझे पानी कहीं ना कहीं से लेके पीना ही पड़ेगा। और ये रहा पीछे समंदर, मोंटे कार्लो के ठीक पीछे। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे भी गाड़ियाँ एक से एक है, मिनी कूपर, BMW। ऐसी बिल्डिंग, ऐसी गाड़ी तो भाई आज देखी मैंने। ओहो हो, देख लो कौन कौन सी गाड़ियाँ यहाँ पे है और कौन कौन सी। टैक्सी भी यहाँ तो मर्सिडीज ही चलती है। अभी तक तो सिर्फ कारें देखी है, मेन चीज़ें तो अभी देखना बाकी है जो है यॉट। 100 करोड़, 200 करोड़, 250 करोड़, 100 करोड़ की जो यॉट होती है, जो बहुत ज़्यादा महंगी और बहुत ज़्यादा लग्जरी होती है, वो चीज़ आपको दिखानी बाकी है। तो वो उसके लिए यहाँ पे एक पोर्ट बना हुआ है, फेरी पोर्ट, जहाँ पे सब यॉट पार्क की गई है। तो वो अभी चल के आपको दिखाते हैं एंड यहाँ से पूरा शहर का व्यू भी दिखेगा। चलते हैं फिर। तो ये देख लो भाई, सामने समंदर में पड़ी हुई दुनिया भर के मिलियनर लोगों की महंगी तरीन आलीशान यॉट। इधर देखो, इसकी साइज़ छोटी बड़ी अलग अलग प्रकार की यॉट है यहाँ पे, जो कुछ इस प्रकार की दिखती हैं। इसके अंदर हर वो फैसिलिटी मौजूद हैं जो एक मिलियनर आदमी को चाहिए। देख लो, देखते ही बनता है। और इनके लिए स्पेशली ये एक फेरी पोर्ट बना हुआ है, यॉट का पोर्ट बना हुआ है। एंड इसके नीचे ये बहुत सारे क्लब बने हुए हैं। देख लो, नीचे स्विमिंग पूल हैं। यहाँ पे कुछ लोग स्विमिंग पूल के आसपास मंडराते हुए। एंड ये महंगी तरीन यॉट देख लीजिए भाई। यॉट क्या होती है, कुछ ऐसी होती है। सपना इतना बड़ा पालो, ये जो है इस हिसाब से कम मिलियनर नहीं तो करोड़पति तो बन ही सकते हैं, लखपति तो बन ही सकते हैं। यॉट नहीं तो एक छोटी बोट तो खरीद ही सकते हैं। इतना बड़ा सपना पाल लो। और इस यॉट की डिज़ाइन तो भाई किसी सबमरीन के जैसी लगती है। सबसे ज़्यादा मुझे तो खूबसूरत यही वाली लगी। एंड ये देखो, मोनाको, मोंटे कार्लो, दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश, जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। एंड 1 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये छोटा सा देश, जिसमें 12,000 से भी ज़्यादा मिलियनर लोग रहते हैं। दुनिया के टॉप 3 जो बिलियनर है वो भी यहीं रहते हैं। समंदर का पानी बहुत साफ़ सुथरा आलीशान है। अगर 12,000 मिलियनर लोग यहाँ रहते हैं तो ये कंट्री ऑलमोस्ट रिच होने वाली है। तो ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी रिच कंट्री है। और लग्जमबर्ग के बाद यहाँ पे सैलरी सबसे ज़्यादा, मतलब 2500-2600 डॉलर से लेके 8,500-9,000 डॉलर तक प्रति व्यक्ति आय है। वाह। तो ये जो यॉट है, हर एक आदमी की एक यॉट है, एक मिलियनर की एक यॉट है। और कोई ऐसा मिलियनर भी होगा जिसके पास 2-2, 4-4 यॉट भी हो सकती है। तो आप समझिए कितना पैसा होगा लोगों के पास में, यहाँ के लोगों के पास में। और अभी अभी मुझे जो नज़ारा दिखा वो और भी था, वो हैरान कर देने वाला है। वहाँ सामने आपको जो फेरी पोर्ट का प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे कुछ 6-7 बहुत ही ज़्यादा महंगी तरीन कारें खड़ी आपको दिखाई दे रही होगी। तो देख लो भाई, अमीर लोगों के ये करिश्मे हैं। और इधर आने के बाद मोंटे कार्लो जो कैसीनो है, उसका कुछ नज़ारा ऐसा है। इस 1 वर्ग किलोमीटर देश में आप कहीं भी किसी भी कॉर्नर में झाँक लो, आपको कुछ ऐसे बढ़िया बढ़िया आइटम दिखेंगे जो करोड़ों के हैं। अभी हम पहुंच गए यहाँ पे। और मोनाको जो 1 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ देश है, इसकी आबादी 38,000 के आसपास है। तो इस तरह से कुछ बिल्डिंगें बनी हुई हैं जिसकी वजह से लोग यहाँ पे रह पाते हैं, वरना यहाँ 1 किलोमीटर में तो जगह ही नहीं होगी, तो कहाँ से लोगों को कहाँ पे रखेंगे। तो इसलिए इस पहाड़ियों पे आप देख सकते हैं नीचे से ऊपर तक पूरी बिल्डिंग आपको दिख रही होगी। और इसी महंगे तरीन देश में एक स्विफ्ट कार भी जा रही है, सुजुकी डिजायर की। यहाँ पे हर रोज काम करने वाले लोग इटली और फ्रांस से आते हैं, डेली आते हैं और डेली वापस जाते हैं, क्योंकि यहाँ रहना तो बहुत महंगा है। काम यहाँ पे कर सकते हैं, सैलरी यहाँ पे अच्छी मिलती है, इसलिए। और इस छोटे देश का ये एक हॉस्पिटल है और यहाँ पे एम्बुलेंस किसी को लेके आई होगी। और ये देखो यहाँ पे ग्रुप टूर है, तो उसके घूमने के लिए कुछ ऐसी गाड़ियों की व्यवस्था कर रखी है। एंड यहाँ पे देखो मैं दिख रहा हूँ कांच में। महंगे देश में महंगे लोग घूमते दिखेंगे। अब पहुँचे यहाँ पे। यहाँ पे क्या चल रहा है अभी दिखाते हैं आपको। और यहाँ पे ये क्लोज शॉट मिलेगा आपको, बड़ी बड़ी यॉट। ये कितनी लंबी है भाई, वहाँ से लेके उतनी लंबी है। ये वाले देखो ऊपर रेस्टोरेंट, खाने पीने का सब कुछ दे रखा है, सबका अलग अलग नाम लिखा है देखो। वाह, और ये वाली तो बहुत ज़्यादा आलीशान है भाई साहब, इसका तो मज़ा ही अलग है। देखो ये यॉट ऊपर जो पाल लगाते हैं ना वैसे चलती है, देखो इसका झंडा ऊपर लगा रखा है। ये सब पाल वाली है यॉट, ये सब वो है इंजन वाली। तो इसमें शायद इंजन ना लगता हो, पता नहीं, अभी आइडिया नहीं इसके बारे में मुझे, यॉट के बारे में कुछ ज़्यादा। और बहुत सारी है, वो बहुत सारी है। सामने देखो वो भी एक आलीशान यॉट है, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी। छोटे मोटे पैसे वाले लोगों का तो काम ही नहीं है यहाँ पे। काम मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन काम ही नहीं है भाई यहाँ पे। एक और ख़ास बात जो आपको बताना रह गया कि ये देश 700 सालों से आज़ादी था, कभी गुलाम हुआ ही नहीं। 700 साल 700 जिसको बोलते हैं ना, तो एक अलग ही सेपरेट देश है। इस वजह से इसमें कोई आज़ादी का तो कभी कोई इश्यू था ही नहीं। ये फ्रांस से पहले से ही स्वतंत्र देश है और इसको कोई गुलाम नहीं बनाया, इसलिए ये लोगों के लिए और ज़्यादा मज़ेदार और सेफ देश बन गया। अब हम पहुँच गए नीचे, जो यॉट है उसके लेवल पर पहुँच गए। एंड अभी हम चलेंगे दूसरी तरफ। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे मैं ज़्यादातर लोगों को जो देख रहा हूँ नौकरी करने वाले बांग्लादेशी या अफ्रीकन लोग हैं, लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इंडियन टूरिस्ट लोग हैं जिसमें बांग्लादेशी और अफ्रीकन लोग बहुत कम हैं। तो आप समझिए कि हमारे जो लोग हैं वो नौकरी नहीं, या तो बिज़नेस करते होंगे या फिर कुछ अलग तरीके के ऊंचे लेवल पे काम करते होंगे। छोटा मोटा काम नहीं करते, कहीं जाके गधा मजूरी वाला काम करना तो घर पे ही कर लेते। पर भाई रोल्स रॉयस कार देखो भाई, जो ऊपर जा रही है ना वो वाली। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ये पुलिस की कार देखो। और यहाँ पे आके अगर नाश्ता वास्ता करना, स्टार्टर 24 यूरो मतलब 2,000-2,500 के आसपास आपको इस छोटे से रेस्टोरेंट में 2,000-2,500 में छोटा मोटा खाना मिलेगा। कभी कभी लोग मौसम का भी पूछते हैं, तो अभी जून का महीना है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मौसम है, इतना प्यारा मौसम है ना। अभी घूमने का सही टाइम यहाँ अभी यही है। मैं सही टाइम पे यहाँ पे पहुँचा हूँ तो शायद लोग भी इतने ज़्यादा देखने को मिलते। कुछ दिनों बाद या कुछ महीना दो महीने बाद में जब यहाँ पे ठंडी शुरू हो जाएगी तो उसके बाद तो समझो कि सब लोग गायब हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने लग जाएगी। तो अभी चलते हैं इस तरफ। मैं ग्रोसरी मार्केट से अभी पानी की बोतल और कुछ फ्रूट और ऐसा सलाद लेके आया था, जो 3.5 यूरो का मतलब कोई 300 रुपये के आसपास पड़ा। लेकिन यहाँ पे मैं खाने बैठा तो कबूतर भी आ गए, तो फिर कबूतरों को मैंने चना डाला तो चना तो उन्होंने खाया ही नहीं। अब दाल जो मेरे पास है, मूंग दाल, वो डालते हैं, वो खाते हैं या नहीं खाते देखते हैं। हाँ, दाल खा रहे हैं, मूंग दाल है वो खा रहे हैं। और सीगल भी है यहाँ पे। मैं जब तक इस चौराहे पे बैठ के थोड़ा आराम करता हूँ, थोड़ा ब्रेक करता हूँ, तब आप यहाँ पे देखते रहिए। यहाँ पे आके गाड़ियाँ रुकेगी और ये जो लोगों का चलने का रास्ता है, तो आपको पता चलेगा कि कैसी कैसी गाड़ियाँ यहाँ पे आके रुकती हैं और हर गाड़ी आपको चलती दिखाई देगी। माय गॉड, इधर देखो। और इसका फ़ोटो लेने के लिए लोग तरसते हैं। तो मैं यहाँ बैठ के थोड़ा नाश्ता करता हूँ। एंड ये गाड़ियाँ देखो आप गुजरती हुई। एक लाजवाब गाड़ियाँ आती है। और मोंटे कार्लो जब भी आते हैं ना, तो इस सुपरमार्केट में शायद आपको ज़रूर आना पड़ेगा। अगर पानी वगैरह नहीं लेके आता ना, तो इस जगह पे आइएगा। एक सुपरमार्केट है और जहाँ पे सस्ता भी है और अच्छा भी यहाँ पे मिल जाता है। तो अभी मैं यहाँ से ले रहा हूँ कॉफ़ी, जो मुझे पड़ेगी 2.5 यूरो में। एंड पानी की बोतल आधे लीटर की मिल जाती है 1 यूरो में। खाने का भी कुछ ना कुछ यहाँ पे मिल ही जाता है। और अब नज़ारा सामने का कुछ ऐसा है। अब छोड़ो, मिलियनर बिलियनर आते रहेंगे यार। ये तो इनका आना जाना काम है। अपने ही इंजॉय करते हैं, चाय कॉफ़ी मज़े लेते हैं। अभी आपने देखा, सलाद लेके खा लिया, पानी की बोतल ले लिया है, एंड थोड़ा और एनर्जी बढ़ाते हैं। और ये लिया है कॉफ़ी और थोड़ा घूमते हैं, कॉफ़ी पीते हैं यार। ये देखो, ये कैंपर वैन है, इसी के अंदर रहना, खाना पीना सब इसी में ही होता है। तो ये भाई साहब अभी जो आए हैं फैमिली के साथ में, ये कार में ही रहते हैं एंड इसी में ही घूमते हैं। फ़ोटो लेने में दिक्कत यही है ना यार। ये थोड़ी देर बाद में बोलेंगे, भाई फ़ोटो क्यों ले रहे हो हमारी गाड़ी का। ऐसा यहाँ पर यूरोप में कोई दोस्ती भाईबंदी नहीं है भाई साहब। यहाँ पर कोई किसी का सगा या कोई दया धर्म वाला काम ही नहीं है, बिल्कुल ही। कभी भी टोक सकता है कोई भी उठ के। गाड़ी के ऊपर रख के खाना खा रहे हैं। और यहाँ पे आके कुछ कारोबार करना है, बिल्डिंग विल्डिंग लेना है, तो ये रियल एस्टेट ऑफिस, आओ खरीद लो कुछ यार। 2-5 करोड़ से कुछ नहीं होगा यहाँ पे, चाहिएगा कम से कम 15-20 करोड़। पुलिस वाले जा रहे हैं टाँटों करते हुए। ये देखो, इस तरफ सब बिलियनर लोगों के घर और हम तो इधर रोड के बिलियनर है भाई, घूमते हुए बिलियनर है। तगड़ी तगड़ी फैसिलिटीज़ दे रखी है यहाँ पे, देखो भाई। मोटे मोटे स्विमिंग पूल जो डाइवर्स के लिए और अभी हम चलते हैं इस तरफ, देखते हैं क्या चल रहा है, कहीं आने जाने का रास्ता हो तो हम भी यॉट की तरफ चलते हैं। तो देख लो भाई, जैसे ही हम पूरा यॉट की तरफ नीचे आते हैं, ऊपर का नज़ारा तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। पीछे देखो पूरा पहाड़ बादलों से ढक गया है और धीरे धीरे हम लोग तो वहाँ पे देखो भाई, पहाड़ की चट्टान के ऊपर जैसे बिल्डिंगें बनी हुई है, ये देख लो। और हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे, पूरा अंदर तक आ गए, यॉट के पास में ही पहुँच गए। चलो प्लेटफॉर्म पे चल के देखते हैं क्या है यॉट वाला सीन। देख लो भाई, साफ सफाई अभियान चल रहा है यॉट का। नौकरी करना है तो समझ लीजिए, सैलरी भी अच्छी खासी होगी, 4-5 हज़ार यूरो, मतलब महीने का 3-4 लाख रुपए से भी ज़्यादा हो सकता है। और हम तो यहाँ पे, बोलो बिलियनर कौन है, मैं हूँ या वो है। देख लो भाई, ऐसा कुछ नज़ारा है। ये बड़ी बड़ी यॉट किसी बिल्डिंगों से कम नहीं है, दारू वारू बॉटलें सज रही हैं और तैयारियाँ ज़ोर से चल रही हैं शाम की। वाओ, लंदन का ये वो आगे कुत्ते उत्ते ऊपर जा रहे हैं। देख लो भाई, इससे क्लोज और इससे खूबसूरत नज़ारा तो कहीं नहीं हो सकता। और ये एक एक यॉट 50 करोड़ 100 करोड़ 150 करोड़ ऐसे करोड़ों की है ये यॉट। उधर देखो और बड़ी बड़ी यॉट है, लेकिन ये उससे भी बड़ी बड़ी यॉट है। माल खजाना सब इधर ही भरा पड़ा है, 1 वर्ग किलोमीटर में ओनली। भाई साहब कमाल है। और ये इधर वाली तो सब सड़ने के लिए ही छोड़ दिया है, बस कोई भाव भी नहीं पूछता इनको, ऐसे ही पड़ी हुई है। मिलियन मिलियन डॉलर तो ऐसे ही सड़ रहे हैं। चलते हैं फिर इस तरफ। और ये शाम होने से पहले कुछ यॉट यहाँ से निकलेगी, तो सब तैयारियाँ पूरी हो चुकी है। एक भी बिलियनर आदमी है या एक भी जो इसके यॉट का मालिक है उसकी बात कर रहा हूँ। ओ भाई साहब, ये गाड़ी कौन सी कंपनी यार। तो मैं आपको बता रहा था कि अगर एक यॉट का एक आदमी मालिक है तो उस यॉट के अंदर कितने लोग काम करते होंगे जिसकी सैलरी 4-5 लाख मंथली है। खाना पीना रहना सब कुछ अंदर ही है। वो लोग इधर से दूसरी जगह, दूसरी तीसरी जगह ऐसे ही घूमते रहते हैं एंड अपनी जो मौज मस्ती आलीशान लाइफ जीते हैं वो लोग काम करते हैं। वो भाई साहब इधर आए, यॉट को इधर पार्क कर दिया, कहीं और दूर होटल में चले गए ऊपर, एंड फिर उसके बाद जब मालिक आता तब तक वो बंदे सब अंदर काम करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं और गुजारा करते हैं। देख लो, ये वाली तो और ज़्यादा आलीशान है। इसको, जिसका मैं बोल रहा था ना आपको कि इसमें शायद इंजन है या नहीं है पता नहीं, ये ऊपर पाल के सहारे चलती है, वो वाली है। और ये यॉटें कितनी बड़ी हैं देख लो। इनके ऊपर पर्सनल एक एक छोटी छोटी बोट भी होती है और लाइफ जैकेट वाला फंडा तो अलग ही होता है। तो ये हो गया कामकाज। यहाँ पे काम करने वाले लोगों की बाइकें, गाड़ियाँ, कैप्टन, सब कुछ। हाँ भाई, घूमते घूमते गफलतबाजी में हम भूल ना जाए कि हम कहाँ पे खड़े हैं। तो हम दुनिया की दूसरी सबसे छोटी कंट्री में खड़े हैं। यहाँ पे आदमी की सैलरी करीबन 3 लाख से लेकर के 8 लाख रुपये पर मंथ मिलती है। एंड यहाँ पे रहते हैं दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर लोग, जिसको 12,000-13,000 लोग कह सकते हैं। 1 वर्ग किलोमीटर में 13,000 ऐसे लोग रहते हैं जो मिलियनर है। और दुनिया के टॉप 3 जो बिलियनर है वो भी यहीं रहते हैं। तो ये देखो जो आपको पीछे दिख रही है ना महंगी तरीन यॉट, ये किसी एक एक इंसान की है और एक एक आदमी इन यॉटों का मालिक हैं। तो यहाँ पे पार्क कर रखी हैं एंड ये है सामने कंट्री, 1 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश। ये देख लो नौकरी कैसे होती है यहाँ पे। और यहाँ पे कुत्ते तो हमारे यहाँ इतने पैदा होते उस समय भी इतने ही होते हैं, और ये इतने छोटे कुत्ते को लेकर घूम रही है। यहाँ पे जो है पानी, पावर, बिजली यहाँ से सब मिलता है इनको। तो यहाँ पे जगह जगह पे ऐसे स्टेशन बने हुए हैं, तो इनसे इनको पावर सप्लाई होता है, गैस सप्लाई होता है, जो चाहिए वो चीज़ें सब मिल जाती हैं। ये मैडम जी यहाँ पे बैठ के सिगरेट पी रहे हैं इस यॉट पे, अकेले ही बैठे हुए हैं, या तो इसके मालिक है या फिर यहाँ पे नौकरी करने के लिए आए हैं। सिगरेट जिस अंदाज में पी रहे हैं उस हिसाब से तो मालिक ही लगते हैं। और देखो भाई, बस देखो नहीं, देखते ही जाओ। और इस पानी में बड़ी बड़ी मछलियाँ सांस लेते के लिए बाहर आती हुई। एक और यॉट, उसकी भी साफ सफाई चल रही है। जिधर भी देख रहा हूँ साफ सफाई और पोते का अभियान चल रहा है, वो यॉटों की सफाई हो रही है भाई। नौकरी लगातार जारी है। लेडी छेरा EH2 वालेटा, सबके अलग अलग नाम है। और ये सब लोग जो रेडियो वॉकी टॉकी लगा रखे हैं ना, वो सब इनमें काम करते हैं। ये देखो भाई, ये तो और ही ज़्यादा प्रीमियम लगती है। ब्रेवली 1, वाह 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 वाह। अच्छी अच्छी लड़कियों के इन यॉट को देख करके लार टपकने लग जाती है। मन करता है हम भी जाएं कहीं समंदर में, इन बड़ी बड़ी यॉट में। आलीशान स्विमिंग पूल वगैरह सब कुछ अंदर, लेकिन हर किसी के लिए ये सपने पूरे नहीं हो सकते। कुछ ज़्यादा ही बोल गया तो थोड़ा संभाल लीजिएगा, ज़बान है कभी कभी फिसल भी जाती है। लेकिन ठीक है यार, इतना मुझे लगता है ये वाजिब ही बोला होगा, क्योंकि कुछ रंगीली जगह पे आते हैं तो कुछ रंगीन बातें होती है। ठीक है भाई, तो और आगे चलते हैं। जैसे ही इस जगह पे पहुँचे हैं, थोड़ा आगे आगे कुछ ऐसा खूबसूरत एक कैफ़े, और एक चेतावनी, इस जगह पे जब भी घूमो फोटोग्राफी करो इस बात का ध्यान रखिए कि यहाँ कोई ग्रिल नहीं है, और फोटोग्राफी करते आप इस पानी के अंदर गिर सकते हैं, और शायद कोई बचाने वाला तो यहाँ मिल ही जाएगा। लेकिन सावधान रहिएगा, आपका सब तामझाम पूरा ख़राब हो जाएगा, पूरी यात्रा ख़राब हो जाएगी, पूरी मेमोरी चली जाएगी अगर फ़ोन वोन सब अंदर चला गया तो अलर्ट रहिए, मस्त रहिए, घूमते रहिए, मज़े करते रहिए। और इस फेरी के पास में आकर अगर आपको ये पानी वानी खरीदना तो ये मशीनें आपको दे सकती हैं, और €1.50 अलग अलग यूरो यहाँ पे लिखे हुए नहीं है। चलते हैं। ये देखो मशीन, नौकरी करते हुए बढ़िया डीजे वाला बाबू बन जाते हैं। देखो साफ सफाई कर रहे हैं, बोट को तैयार कर रहे हैं, लेकिन साथ में फ्लोर पे डांस करने वाला सीन भी यहाँ पे खड़ा कर देते हैं। लेट्स गो, यहाँ पे पहुँच गए अभी, चलते हैं। ये चार्टर बोट है, देखो भाई रेंटल बोट है, ये सब रेंटल पे चाहे तो आप ले सकते हैं। ऐसी खतरनाक वाली बोट रेंट होगा, कितना महंगा वो पता नहीं। व्हाट्सअप कर दीजिए, ये नंबर पे व्हाट्सअप करिए, आपको पता चल जाएगा। फ्लेक्सी वाला ये यॉट क्लब हैं, जो महंगी तरीन यॉट आपको दिख रही है उनके लिए स्पेशली। और वो जब यहाँ पे लैंड करते हैं ना, जब उनकी यॉट यहाँ पे पहुँच जाती है तो उनको हर फैसिलिटी यहाँ पे मिलती है, और यॉट क्लब है तो सब कुछ यहाँ पे उनके लिए हाजिर होता है, बस पैसा चाहिए। ये देखो एक भाई साहब लेके आए हैं अभी छोटी वाली यॉट। थोड़ा आगे आने दो, कूद गए, नौकरी चालू है। साफ़ सफाई इतनी चमकदार होती है ना भाई, चमकाते बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और ये छोटी छोटी टग बोट कह सकते हैं, छोटी छोटी बोट, इसको भी आप लेके समंदर में जा सकते हैं रेंट पे। ये वाली, ये यहाँ पे कारखाना गोडाउन जैसा कुछ सीन है जहाँ पे रिपेयरिंग वगैरह। और भाई नौकरी तो मुझे लगता है यही वाली बढ़िया है यार, यॉट वाली। साफ सफाई मेहनत तो करनी पड़ेगी लेकिन लाइफ इज एंजॉय। कसीनो, ऐसे तो सीक्रेट सीक्रेट रास्ते हैं जिससे कैसीनो की तरफ जा सकते हैं, कैसीनो से समुंदर की तरफ जा सकते हैं, यॉट की तरफ जा सकते हैं, तो पता ही नहीं चलेगा आपको। ऊपर हाईवे है, नीचे वो है, कभी 15 फ्लोर नीचे जाना है, कभी 15 फ्लोर ऊपर जाना है, माइनस प्लस ये सब। तो एक बार फिर घूमते फिरते पहुंच गए यहाँ पे। और यहाँ पे आते ही देखो भाई, गाड़ी एक जलवा है। आवाज़ देखो, छोटा सा गाड़ी, लेकिन ये है मोंटे कार्लो। Okay, we'll get you on the other side. Okay, okay, okay. तो भाई एक बार फिर से घूमते फिरते पहुंच गए वापस ये जो कैसीनो क्लब है वहाँ पे। और यहाँ पे खाने के लिए इस जगह पे लाइन में लगा के खड़े हैं, और लाइन में लगने वाले लोग भी मिलियनर वगैरह ही है। हाँ देख लो, ओहो, क्या नाम दूँ, मेरे पास नाम देने के लिए शब्द नहीं। और देखो भाई इधर थोड़ा इधर घूमते हैं, थोड़ा इधर घूमते हैं, थोड़ा इधर घूम लिए हैं। और ये देखो एक और रोल्स रॉयस आती हुई। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ यॉट और बड़ी महंगी महंगी कारें हैं, इधर खूबसूरत गार्डन भी है इसके बगल में, बिल्कुल कैसीनो के बगल में। वॉकिंग के लिए भी हो सकता है और लोगों के लिए, पर्यटकों के लिए खूबसूरत जगह दिखाने के लिए। होटल मेट्रोपॉल, एंट्री गेट देखो मेट्रोपॉल का सिर्फ आदित्य। वाह, बस खूबसूरती देखते रहो और क्या ही करोगे यार, जान तो लोगे नहीं। इस खूबसूरत जगह पे कुछ खूबसूरत प्यारे प्यारे पक्षी भी आपको देखने को मिलेंगे जो अपना पेट भरने की जुगाड़ कर रहा है। ये बत्तख देखो, ये कबूतर देखो, कुत्ते यहाँ अलाउड नहीं। चलें भाई फिर तो धीरे धीरे वापस, ये खूबसूरती तो ख़त्म ही नहीं होगी, आगे आगे बढ़ती जाएगी। ऐसा भी नहीं है कि सारी बिल्डिंग दिखती है वो पूरा मोंटे कार्लो या मोनाको, ऐसा नहीं है। ये रेलवे स्टेशन है ना, गूगल मैप पर देखोगे तो आपको पता चलेगा, आधी बिल्डिंग है उस तरफ है, आधी इस तरफ है। तो मोस्टली जो ऊपर की बिल्डिंग है वो सारी फ्रांस में, और जो नीचे का भाग है सिर्फ 1 वर्ग किलोमीटर में, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर पूरा भी नहीं है समझो, वही सिर्फ मोनाको है। आपको पता ही नहीं चलेगा आप कब क्रॉस बॉर्डर कर रहे हैं, कब वापस आ रहे हैं। वाह, और ये देखो इसको कितना खूबसूरत कटिंग करके खूबसूरत बनाया गया है, बम्बू की लकड़ियाँ यूज़ करके। गाड़ियाँ जाते हुए देख सकते हो आप यहाँ पे सारी, यहाँ तक कि टैक्सी भी वॉल्वो, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज यही है। देख लो, देख लो, देख लो, कोई कम नहीं है। देख लो मर्सिडीज, बॉडी, पोर्शे। और ये जो सामने पहाड़ दिख रहा है वो फ्रांस है, उसके ऊपर बिल्डिंग है भाई साहब वहाँ पे। देखो अभी पता चल रहा है मुझे, लेकिन खास बात ये दिखाना है कि ये रेलवे स्टेशन है ये वाला, तो ये बॉर्डर है समझो। बस इधर से अगर उधर वाली बिल्डिंग है ना वो सब फ्रांस में है, और इधर वाली ये सब मोनाको है। क्या आवाज़ आ रही भाई, देख लो मैडम जी चला रहे बढ़िया धुआंधार कार, फ्रांस में एंटर हो गए। तो अभी हम चलते हैं यहाँ से नीचे, और जो सिम कार्ड वहाँ पे काम कर रही है वो सिम कार्ड यहाँ पे काम नहीं कर रही है इस देश में। जैसे फ्रांस में एंटर होंगे शायद वापस नेटवर्क पकड़े और हम लोग कुछ देख पाए, अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। यहाँ पे ट्रेन स्टेशन के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, तो आपको क्या करना ना, सीधा यहाँ से 15 फ्लोर नीचे जाना है, सीधा 15 फ्लोर। तो 15 फ्लोर नीचे जाओगे तो आपको सीधा ट्रेन दिख जाएगा। रेलवे स्टेशन के ऊपर खड़ा हूँ, ट्रेन 15 फ्लोर नीचे क्यों है पता है? ये देखो पहाड़ की चट्टान, तो इसके नीचे से कहीं ट्रेन चलती है, तो इसलिए यहाँ से हम चलते हैं यहाँ पे। तो भाई घूम फिर के आ गए हैं वापस नेक्स्ट विले, दो स्टेशन आते हैं तो आप समझिए कि ट्रेन बीच वाले पे ना उतरे। तो ये हमारी ट्रेन भीड़ यहीं से शुरू होती है और यहीं पे ख़त्म होती है। तो अभी चलते हैं यहाँ से बाहर।